मध्य प्रदेश में आए दिन मासूमों से दुष्कर्म के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला खरगोन जिले के मारुगढ़ गांव में सामने आया है, जहां तीन युवकों ने एक नाबालिग को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही घटना के दौरान घर में मौजूद पीड़िता के बड़े भाई के साथ भी जमकर मारपीट की गई और बाइक छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि दो आरोपी आदिवासी और एक नेवाड़ी भाषा में बात कर रहा था। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की भी बात कही है। तो बिल्कुल लगातार जिस तरीके से है, बच्चियां हों, युवतियां हों, किशोरियां हों, लगातार इस तरीके की घटनाएं हर तरफ दिखाई दे रही। बात चाहे मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के मारुगढ़ गांव की जाए, जहां इस मासूम के साथ, नाबालिग के साथ अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया गया, और चाहे अभी ताजे मामले ये हाथरस और बलरामपुर की घटना से ले लिया जाए, लगातार जो है लड़कियों के साथ इस तरीके की घिनौनी वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। खौफ बिल्कुल शासन प्रशासन का बचा नहीं है। चलिए, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, मारुगढ़ गांव का ये मामला, तीन युवकों ने नाबालिग को अगवा किया, फिर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद जान से मारने की भी धमकी। कह सकते हैं कि अब जो है लोगों में इस तरीके का खौफ नहीं रह गया, लगातार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तो मारुगढ़ गांव का ये पूरा मामला है, जहां एक नाबालिग को अगवा किया जाता है, फिर उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। घटना के दौरान घर में मौजूद पीड़िता के बड़े भाई के साथ भी जमकर मारपीट की गई, यानी कि कह सकते हैं खौफ पुलिस प्रशासन का बिल्कुल बचा ही नहीं। ये घटनाएं लगातार जो है सामने आ रही है। और एक बार फिर हमारे संवाददाता दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, मारुगढ़ गांव में जो मामला सामने आया, नाबालिग के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है और उसके बड़े भाई के साथ भी मारपीट की गई है, तो ये इस तरीके की वारदातें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाती हैं। जी पूनम जी, ये मामला दुष्कर्म का हुआ है और पीड़िता के साथ सामूहिक रूप से गैंगरेप का मामला हुआ है और उसके भाई के साथ भी मारपीट हुई है। जी जी दिनेश, जिस तरीके से जो है पीड़िता जो है लड़की, उसकी शिकायत पर हालांकि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, कहां तक जांच ये पहुंची है? फिलहाल उनकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि उन्होंने इंदौर से बाइक चुराई है और वहां से सीसीटीवी फुटेज के आधार पे उनसे कार्रवाई की जा रही है। जी, कौन थे, क्या पीड़िता उसके परिजनों ने कुछ इस बारे में जानकारी दी, कौन थे ये युवक, क्या उनके पास नहीं रहने वाले कोई युवक थे या कोई किसी रंजिश को लेके उन्होंने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है? जी, इनके परिजन आसपास पता लगाने का प्रयास वो भी कर रहे हैं और चूंकि देर रात्रि का मामला था वो उनको देख नहीं पाए थे और पुलिस ही उनका मतलब पता लगाने का प्रयास कर रही है। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। मारुगढ़ गांव से ये मामला सामने आया, इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है, हालांकि आरोपी जो हैं फरार हो चुके हैं, पुलिस आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है।